और दोस्तों, करंट अफेयर्स ऑफ 18 जून 2021, यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, ये संकेत है कि आप काम वाकई में बहादुरी से बड़ा कर रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट। वैसे भी जो रास्ते को आपने चूज़ किया है वो तो बहुत टफ है, पर हाँ, अगर आप मेहनत करते रहेंगे एंड कंसिस्टेंसी से, आप जरूर सक्सेस तक पहुँचेंगे। न्यू शेपर्ड रॉकेट सिस्टम, अमेजन फाउंडर बिलियनर जेफ बेजोस, स्पेस कंपनी जो ब्लू ओरिजिन है, उन्होंने कंक्लूड किया ऑनलाइन एक्शन ऑक्शन फॉर द फर्स्ट सीट न्यू शेपर्ड। ये रॉकेट सिस्टम है मेन टू टेक टूरिस्ट टू द स्पेस, स्पेस में ले जाने के लिए। न्यू शेपर्ड इज रीयूजेबल रॉकेट सिस्टम है, डिजाइन टू टेक एस्ट्रोनॉट्स एंड रिसर्च पेलोड्स पास द करमान लाइन इंटरनेशनली एंड रिकोगनाइज बाउंड्री ऑफ स्पेस। बिल्ड किसने किया? रॉक सिस्टम हैज़ बीन बिल्ड बाय ब्लू ओरिजिन, जो कि स्पेस कंपनी अमेजन फाउंडर जेफ बेजोस की। नेम रॉकेट सिस्टम नेम आफ्टर एस्ट्रोनॉट के बाद एलन शेफर्ड के बाद फर्स्ट अमेरिकन टू गो टू स्पेस, इसलिए इसका नाम शेफर्ड रखा है। इस आइडिया इज़ टू प्रोवाइड ईजियर मोर कॉस्ट इफेक्टिव एक्सेस टू स्पेस मेन जो पर्पस एकेडमिक रिसर्च कॉपरेट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरल वेंचर अमंग अदर। मोर ओवर जो एकेडमिक एंड रिसर्च ओरिएंटेड गोल्स है, रॉकेट विल अलाउ स्पेस अलाउ करेंगे स्पेस टूरिस्ट टू एक्सपीरियंस माइक्रोग्रेविटी के लिए बाय टेकिंग दैम 100 किलोमीटर अबव द अर्थ। माइक्रोग्रेविटी का एक ऐसी कंडीशन विच पीपल ऑब्जेक्ट्स अपीयर हो जाते वेट ले जब उड़ने लग जाते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ माइक्रोग्रेविटी कैन बी सीन व्हेन एस्ट्रोनॉट्स एंड ऑब्जेक्ट वो फ्लोट, ये उड़ रहे हैं इन स्पेस में जब देखा जाता है। करमान लाइन का इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज बाउंड्री है स्पेस की। द लाइन इज नेम आफ्टर, नाम क्यों इसका नाम ये है, क्योंकि थियोडोर वॉन करमान एक हंगेरियन अमेरिकन इंजीनियर एंड फिजिस्ट है, इसलिए इसका नाम करमान लाइन है। एंड फर्स्ट पर्सन जिन्हें डिटरमाइन किया था एल्टीट्यूड एट विच द एटमोसफियर बिकम्स टू थिन, जहाँ पर एटमोसफियर बहुत थिन हो जाता है, फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल FAI ने डिफाइन किया है करमान लाइन एल्टीट्यूड ऑफ 100 किलोमीटर अबव अर्थ मीन सी लेवल। FAI इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग है रिकॉर्ड कीपिंग बॉडी एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स की। न्यू शेपर्ड सिस्टम जीवन वायु IIT रूपा ने डेवलप किया है, नेशन का फर्स्ट पावर फ्री CPAP डिवाइस जीवन वायु सब्सटीट्यूट करेगा। CPAP मशीन कैन फंक्शन इवन बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी काम करेगी। इंडिया में फर्स्ट ऐसा डिवाइस है जो फंक्शन करेगा बिना इलेक्ट्रिसिटी के। अडेप्ट टू बोट काइंड ऑफ ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट लाइक जैसे O2 सिलेंडर्स एंड ऑक्सीजन पाइपलाइन इन द हॉस्पिटल। लीक प्रूफ है, लो कॉस्ट CPAP डिलीवरी सिस्टम डिलीवर करेगा हाई फ्लो ऑक्सीजन 20-60 LPM। लीक प्रूफ है। CPAP क्या है? कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर ट्रीटमेंट मेथड, जो पेशेंट्स के लिए जिनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही ड्यूरिंग स्लीप कॉल स्लीप एपनिया, उसको CPAP मशीन यूज माइल्ड एयर प्रेशर टू कीप एयरवेज ओपन रखता है, ये इजी ब्रीथिंग के लिए। इट इज़ यूज टू ट्रीट इन्फेंट्स, बच्चों के लिए भी हुज लंग्स हैव नॉट फुली डेवलप, जिनकी लंग्स डेवलप नहीं हुए। द ट्रीटमेंट इज ऑल मोर अभी किस लिए नेसेसरी, सबसे ज़्यादा COVID-19 इन्फेक्शन में। इट रिड्यूसेज लंग डैमेज को रिड्यूस करता है, अलाउ करता है पेशेंट को कि वो रिकवर कन्फर्म फ्रॉम इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स। UN हाई लेवल डायलॉग ऑन डिजर्टिफिकेशन लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने हमारे डिलीवर किया की नोट एड्रेस यूनाइटेड नेशन हाई लेवल डायलॉग ऑन डिजर्टिफिकेशन लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट। डायलॉग ऑर्गेनाइज किया है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इनका एम है कि फोकस करना इंटरनेशनल कम्युनिटी अटेंशन लैंड इश्यूज पे, सो डैट इट कैन जनरेट करेगा पॉलिटिकल इंप्लीमेंटिंग एंड लॉन सोल्यूशन, जो COVID-19 एडेप्टेशन रिकवरी स्ट्रेटेजीज है। डायलॉग एनकरेज करेगा कि पूरे जो मेंबर स्टेट है वो इंप्लीमेंट करें, अडॉप्ट करें लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी टारगेट एंड नेशनल ड्रॉट प्लान्स। इंडियन प्राइम मिनिस्टर PM ने प्रेसाइड किया 14 सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन USCCD को, कहता है September 2019। दस ही स्पोक एट द ओपनिंग सेगमेंट ऑफ डायलॉग में बोला था जो पार्ट है UNCCD का, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन स्टेब्लिश हुआ 1994 में, लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है एनवायरमेंट डेवलपमेंट और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के लिए। यही एक कन्वेंशन है जो स्टेमिंग फ्रॉम डायरेक्ट रिकमेंडेशन ऑफ द रियो कॉन्फ्रेंस एजेंडा 21 है ना, जिसमें कॉम्प्रेंसिव प्लान ऑफ एक्शन की बात है। UN हाई लेवल डायलॉग डिजर्टिफिकेशन लैंड डिजर्टिफिकेशन डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट 14 सेशन ऑफ COP14 UNCCD में क्या हुआ था, इंडिया हैड फॉर द फर्स्ट टाइम इसको होस्ट किया था 14 सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस COP14 कहाँ पे हुआ था, ग्रेटर नोएडा इन 2019। थीम जो इसकी थी रिस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर, थीम पे ध्यान देना, थीम पे क्वेश्चंस आते हैं। ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस दिल्ली डिक्लेरेशन इशू हुआ था, डिक्लेरेशन फॉर बेटर एक्सेस जो लैंड एंड एम्फेसाइज जेंडर सेंसिटिव ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट UN हाई लेवल डायलॉग डिजर्टिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। लास्ट वीक क्या हुआ, केरला कैबिनेट ने गेव ग्रीन लाइट टू बिगिन एक्वायरिंग की लैंड फॉर सिल्वर लाइन फ्लैगशिप, एक सामी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट को दी।
मतलब ग्रीन सिग्नल दिया कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है जिससे रिड्यूस करेंगे ट्रैवल टाइम केरला नॉर्थ एंड सदर्न एस्टर। जो रेलवे लाइन विल बी अराउंड 529 किलोमीटर्स लॉन्ग रहेगी, कवर करेगी 11 डिस्ट्रिक्ट थ्रू 11 स्टेशन। इट विल लिंक सदर्न एंड स्टेट कैपिटल त्रिवंतपुरम विद इट्स नॉर्थ एंड कासरगोड। इंप्लीमेंटेशन केरला रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन KRDCL एग्जीक्यूट करेगी। KRDCL जॉइंट वेंचर है केरला गवर्नमेंट एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का। सिग्निफिकेंट कैब प्रोजेक्ट कॉम्प्लीमेंट वन कैन ट्रैवल कासरगोड टू तिरुवनंतपुरम लेस देन 4 आवर्स में पहुंच जाएगी ट्रेवलिंग 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। करंट ट्रैवल अभी जो टाइम है वो कितना लगता है फ्रेंड, 12 आवर्स लगता है। ड्यूरेशन जो प्रोजेक्ट का डेडलाइन है प्रोजेक्ट इज 2025। नेक्स्ट है भरत लेशियस टपानी। मिड 20th सेंचुरी में रिसर्चर्स ने इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता ने कैरी की एक्सटेंसिव स्टडीज रॉक्स के बारे में जो एरापली फॉर्मेशन इन विज ऑफ तेलंगाना में अनकवरिंग सेवरल फॉसिल्स की वजह से इन्होंने स्टडी किया कि जो स्पेसिमैन स्टोर हुए इंस्टीट्यूट में इंटरनेशनल टीम नाउ थ्रोन्स में मतलब लाइट किस चीज़ पे प्रकाश डाला, क्या चीज़ लनकी कहानी वो रेप्टाइल्स पे डेट लिव 240 मिलियन ईयर्स पहले रह रहे थे, जिनका नाम ये है बरिता लेशियस टापानी। रेप्टाइल बिलोंग टू फैमिली और एक्सटिंक्ट रेप्टाइल, ठीक है। किस नेम से रेप्टाइल नेम एराइटी शोशादी। जो तेलुगु लैंग्वेज है भरी मीन्स यूज, तला मीन्स हैड एंड शुशूस मीन्स इजिप्शियन क्रोकोडाइल हैडेड डेइटी। स्पीसीज नेम है पैलेंटोलॉजिस्ट, दो पैलेंटोलॉजिस्ट वो होते हैं जो स्टडी करते हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ थ्रू फॉसिल रिकॉर्ड्स से उसके बारे में स्टडी करते। तपन रॉय चौधरी इज ऑनर मिलर्स एक्सटेंसिव वर्क में। ये रोबस्ट एनिमल विद दी बिग हैड्स एंड लार्ज टीथ, दिस प्रोबेबली प्रेडेटेड स्मॉलर रेप्टाइल्स अप्रोक्सीमेटली साइज ऑफ एन एडल्ट मेल लॉयन एंड माइट हैव बीन लार्जेस्ट प्रेडेटर्स इन द इकोसिस्टम। एरापली फॉर्मेशन की बात करते हैं, लोकल प्राइमरली प्रणहिता गोदावरी बेसिन तेलंगाना। ट्रियासिक या जियोलॉजिक पीरियड 50.6 मिलियन ईयर्स रॉक फॉर्मेशन कंसिस्टिंग प्राइमरली रेड मडस्टोन एंड बरिता लुकस। नेक्स्ट है डगमरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, MOU साइन हुआ है NHPC लिमिटेड एंड बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के बीच में इम्प्लीमेंटेशन हो। डगमरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस पे, ओवर कोसी रिवर इन सपॉल डिस्ट्रिक्ट। प्रोजेक्ट लोकेटेड कहाँ पे है, ये जो विलेज है डगमरा उसके पास है कोसी रिवर पे। रन ऑफ द रिवर स्कीम, ये क्या है रन ऑफ रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट है, यूज़ करेगा नेचुरल डाउनवर्ड जो रिवर डाउनवर्ड जा रही है फ्लो ऑफ रिवर माइक्रो टर्बाइन जनरेटर से कैप्चर कर पाए काइनेटिक एनर्जी जो वाटर कैरी कर रहा है। ओके, टिपिकली वाटर टेकन मतलब नदी से लिया जाता है हाई पॉइंट है डाइवर्ट किया जाता है चैनल पाइपलाइन एंड प्रेशराइज पाइपलाइन ऐसे चलता है। ये प्रोजेक्ट की टोटल कैपेसिटी होगी 130 मेगावाट एनर्जी। एस्टिमेटेड जो कॉस्ट होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर प्रोजेक्ट कितना होगा 2478.24 करोड़, ठीक है। सिग्निफिकेंट की बात करते हैं हम, लैंडमार्क प्रोजेक्ट है ये। सेक्टर सिनेरियो ऑफ द बिहार एज फॉर ग्रीन पावर कंसर्न के लिए ग्रीन पावर एग्जीक्यूशन और बूस्ट एंड सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द एरियाज एंड शैल ऑल्सो क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी होगी। कोसी रिवर के बारे में क्या, ट्रांस बाउंड्री है कोसी रिवर के बारे में अलग सा। ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो तिब्बत में फ्लो करती, तिब्बत नेपाल एंड इंडिया सोर्स का तिब्बत है। ट्रिब्यूटरीज पर ध्यान देना सन कोसी अरुण एंड तामोर। अनस्टेबल नेचर कॉजेज बोट चेंजेस चेंज डाटा कोर्स। कोसी कैरी करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिल्ट और सैंड लेके जाता है आफ्टर ब्रह्मपुत्र एंड इंडिया, ये सौरव और बिहार बोला जाता है। एक्सट्रीम फ्लडिंग इससे होता है। ओके नेक्स्ट, GIS सर्टिफाइड जलगांव बनाना। 2016 में जलगांव बनाना को ज्योग्राफिकल टैग मिला था, GIS सर्टिफिकेशन मिला था, रजिस्टर हुआ था निसारगंज कृषि विज्ञान केंद्र जलगांव कहाँ पे महाराष्ट्र। इंडिया वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर है बनानास का, जहाँ पे 25% टोटल आउटपुट। आंध्र प्रदेश गुजरात तमिलनाडु महाराष्ट्र केरल उत्तर प्रदेश बिहार एंड मध्य प्रदेश ये मोर देन 70% कंट्रीब्यूट करते हैं कंट्रीज बनाना प्रोडक्शन। ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी, ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी क्या है, यूनियन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ 5 ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज। ऑब्जेक्टिव है एनहेंस करना एजुकेशन कॉपरेशन जनरल स्पेशली इन द रीम ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन। IIT बॉम्बे इज द लीड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी। ड्रोन सर्वे मैंडेटरी फॉर ऑल नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट। अब क्या जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के अंदर मैंडेटरी बना गया कि ड्रोन का यूज़ करना है फॉर मंथली वीडियो रिकॉर्डिंग नेशनल हाईवे के लिए, कि जो हर स्टेजेस है डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन मेंटेनेंस इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर कंसेशनरीज कैरी करेंगे ड्रोन वीडियो रिकॉर्डिंग। जो प्रेजेंस है टीम लीडर सुपरविजन कंसल्टेट करेंगे अपलोड कंपैरेटिव प्रोजेक्ट वीडियोज ऑफ करंट लास्ट मंथ NHAI प्रोजेक्ट।
पोर्टल डेटा लेक, इसको ध्यान देना। नेक्स्ट है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने साइन किया है MOU कॉपरेशन डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, कहाँ पे? लोथल गुजरात में। लोथल तो इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के हिसाब से भी, लोथल की बात हो रही। इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात हो रही, मैरीटाइम हेरिटेज ऑफ इंडिया फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम वुड बी शोकेस। यूनिक फीचर्स का क्या? रिक्रिएशन होगा एंशियंट लोथल सिटी, अभी मैंने वही कहा एंशियंट लोथल सिटी, प्रोमिनेंट सिटीज ऑफ एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन डेटिंग 2400 BC। एक बार आकर इसका बेसिक वैसे रिवाइज करिए। आरडी प्रशिक्षण पोर्टल, आरडी प्रशिक्षण पोर्टल क्या? सेंट्रल रिपोजिटरी है जो ऑल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट डिफरेंट डिवीजन जो मिनिस्ट्री नेशनल सोसाइटी फॉर एजुकेशन ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट NESTS सेंटर एक्सलेंस फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। VivaTech की बात करते हैं, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डिजिटल स्टार्टअप इवेंट है यूरोप में, हेल्ड इन पेरिस एवरी ईयर सिंस 2016 से चल रहा है। 20 ऑर्गेनाइज किया पब्लिसिस ग्रुप अ प्रोमिनेंट एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कॉन्ग्रोमेट लेस इकोस लीडिंग फ्रेंच मीडिया ग्रुप। ये जो इवेंट एक साथ लाते हैं स्टेक होल्डर्स को, टेक्नोलॉजी इनोवेशन एक स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। लोग क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं एग्जीबिशन, अवार्ड्स, पैनल डिस्कशन, स्टार्टअप एंड कॉन्टेस्ट। नेक्स्ट इंडियन गौर इंडियन बेसिन, नेटिव टू साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये ग्रेजिंग एनिमल है, वाइल्ड कैटल फैमिली से हैं, WPA में शेड्यूल 1 एंड IUCN वनरेबल, हैबिटेट एवरग्रीन सेमी एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसर्ट्स। कहाँ कहाँ मिलता है? वेस्टर्न घाट सराउंडिंग सर्डन इंडिया, पर्टिकुलर इन द वायनाड सॉरी नागरोल मुडुमलाई बांडीपुर कॉम्प्लेक्स। न्यू साइट्स ऑफ एडेड टू इंडिया टेंटेबल लिस्ट में यूनेस्को हेरिटेज क्लॉक वाइज फ्रॉम टॉप, आइकॉनिक रिवर फ्रंट जो वाराणसी टेम्पल ऑफ काचीपुरम हैर बेंगल मेगालिथिक साइट सतपुरा टाइगर रिजर्व एंड भेड़ाघाट लेमटे घाट ऑफ नर्मदा वैली जबलपुर। मिलिट्री आर्किटेक्चर ऑफ मराठा नॉट शोन इन दिस मैप, ये मैप में कुछ चीज़ें हाईलाइट है। बानस रिवर की बात करते हैं, बानस रिवर एंटायरली तो स्टेट ऑफ राजस्थान में वेस्टर्न इंडिया में, ट्रिब्यूटरी चंबल रिवर के, ट्रिब्यूटरी है एंड सेल्फ आर ट्रिब्यूटरी, वो खुद ट्रिब्यूटरी है यमुना के, तो आगे जाके मर्ज हो जाती है गंगा से। और ये जो रिवर ओरिजिनेट होती है वीडो कमज कहाँ पे? कैमनोर हिल्स ऑफ द अरावली रेंज, 5 किलोमीटर कहाँ से? कुंबलगढ़ रजसमंद। मीट करती है चंबल रिवर कहाँ जाके मिलती है? चंबल नियर विलेज ऑफ रामेश्वर एंड सवाई माधापुर डिस्ट्रिक्ट। मेजर ट्रिब्यूटरी है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बेराज मेनाली, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कोठारी खारी डाई धील रिवर सोहाड्रा रिवर मोरल कालीसील। बानस जो है सीजनल रिवर है, समर में सूख जाती है, ड्राई अप हो जाती है, नॉट यूज विद इरीगेशन। बानस की लोकेशन देखिए, इतने अच्छे से सब मैच है, चंबल बेटवा गेंजेस यमुना यहाँ पे दिया हुआ है, चंबल से ही देखो वहाँ पे जा रही है लेफ्ट में, ये बानस रिवर ठीक है, इसकी ट्रिपिट्री है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।